ओके वेलकम टू पार्ट 8 ऑफ टर्निंग रुपीज 1 इनटू अ कार एंड इस सीरीज में भाई हमने 7 पार्ट्स करे हैं एंड भाई इन 7 पार्ट्स को आप देख के आना। आई हैव नो आइडिया मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये बिजनेसेस करना। आई स्वेयर आई एम स्टिल इन शॉक बट आई एम लविंग इट। तो बहुत लोग मेरे पास आके पूछते कि अभिषेक भाई फ्यूचर क्या है, हम ऐसा क्या करें कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। तो भाई मैं उनको बोलता हूँ इसका ना एक ही जवाब है, वो है क्रिएशन। क्रिएशन इज द फ्यूचर। मतलब आज से 15-20 साल में मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान जॉब्स में इंटरेस्टेड होने वाला है। इतने सारे बिजनेसेस करे हैं बट लास्ट पार्ट में हमने 2 बिजनेसेस करे जिसमें से एक था ड्रॉप शिपिंग जिससे हमने 70,000 रुपए कमाए थे सोते हुए भाई, एंड दूसरा हमारा चल रहा है होम नीड्स का ग्रोसरी स्टोर। यस हमने ग्रोसरी स्टोर खोल रखा है और उससे हमने 1,20,000 रुपए कमाए हैं 2 महीने में ऑन स्टॉक। तो इट्स गोइंग गुड। बट आज की वीडियो में हम सबसे बड़ा धंधा करने की कोशिश करने वाले हैं। हम फोकस करेंगे क्रिएशन पे। लेट्स गो। क्रिएशन, क्रिएशन एक्चुअल में है क्या यार? क्रिएशन मतलब क्रिएट करना। लोग कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है फ्यूचर में लोग अपने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। बट हम क्या क्रिएट करने वाले हैं? ऑब्वियसली हम भी तो कुछ क्रिएट करेंगे, तभी तो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट क्रिएशन। हम क्रिएट करने वाले हैं कॉन्टेंट, बिकॉज आई बिलीव कॉन्टेंट इज किंग। ये भी तो कॉन्टेंट से ही आई है ना। कंटेंट किंग है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं भाई, समझो कंटेंट एक ऐसी चीज है जिसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर मोनेटाइज कर सकते हो। मानो आज मैंने एक वेब सीरीज बनाई बढ़िया सी, उसको मैं यूट्यूब पे मोनेटाइज करूंगा, उसको मैं फेसबुक पे मोनेटाइज करूंगा, यूट्यूब पे एक्सटर्नल स्पॉन्सर लूंगा उस वेब सीरीज के लिए, उसके बाद मैं उस वेब सीरीज को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब करके सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दूंगा, फिर मैं उस वेब सीरीज के शॉर्ट्स काटूंगा, उसको यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालूंगा, इंस्टाग्राम पर डालूंगा, वहां से रीच दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं रीजनल लैंग्वेजेस में डब करूंगा तो प्लेटफॉर्म्स होते हैं स्टेज जैसे, जो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो वेब सीरीज वहां भी बिक जाएगी। अगर आपके कॉन्टेंट में दम हुआ तो भाई अमेजोन मिनी टीवी कहेगा भाई आप जहां अपना प्रोडक्ट चला रहे हो, वेब सीरीज चला रहे हो, आप इसको भी चलाओ, हमारे को भी दे दो, तो वहां भी बिकेगा। तो मतलब भाई इतने प्लेटफॉर्म्स पे बेचने के बाद भी राइट्स मेरे रहेंगे, तो भाई इससे ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। बातें तो हमने कर ली बड़ी बड़ी, भड़प बारी है एक्शन की भाई। हम एक्चुअल में इस वीडियो में करने क्या वाले हैं भाई? देखो अगर मैं जाऊंगा यूट्यूब पे ग्रो करने तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली अगर मैं अभी कोशिश करूंगा फुल फ्लेज वेब सीरीज बनाने की तो वो भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि भाई मेरा इतना बजट नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने इस वीडियो को चालू करने से पहले करी है फुल रिसर्च कि फेसबुक पे किस प्रकार का कंटेंट चलता है। देखो सिर्फ 3 प्रकार का कंटेंट चलता है, एक बॉलीवुड वाली वीडियोस जो कृति सैनन के पुत्र ने ऐसा कर दिया, वरुण धवन के जमाई ने ऐसा कर दिया, इस प्रकार की वीडियो। सेकेंडली थोड़ी एडल्ट अश्लील वीडियोस जिसमें स्टार्टिंग ऑफ द सीन में छोटी छोटी ड्रेसें दिखा देते हैं, डीप नेक दिखा देते हैं और उसके बाद कहते हैं देखो उस डॉक्टर ने उसके बच्चे के साथ क्या किया, ये करने जाऊंगा तो मम्मी पापा बहुत मारेंगे, नहीं ये भी नहीं करना हमें। थर्ड प्रकार की वीडियोस है मेरी फेवरेट टाइप ऑफ वीडियोस, गोल्ड डिगर प्रैंक्स। भाई साहब वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तूने मेरी शक्ल देख के मुझे जज कैसे कर दिया, मेरे कपड़ों पे लिखा है मैं वैसे 100 करोड़ का मालिक हूँ, ऐसी ऐसी वीडियोस फेसबुक पे बहुत ज्यादा चलती है। एंड रिसेंटली अगर आप गूगल करोगे कि फेसबुक पे 1 मिलियन व्यूज पे $10,000 मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस बार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले चीजें शॉर्टलिस्ट करते हैं, थोड़ी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं एंड अपनी पहली फेसबुक वीडियो रेडी करते हैं। लेट्स सी हम इस वीडियो के एंड तक फेसबुक से कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना नहीं। तो आओ शुरू करते हैं। तो अगले ही दिन मैंने शुरू कर दी अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग। मैं एक के बाद एक पेज लिखता ही गया और धीरे धीरे मुझे अपना विजन अचीव होता हुआ दिखता गया। दिस स्क्रिप्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। इस स्क्रिप्ट को मिलेंगे अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ऑस्कर्स, एवरी डैम थिंग। तो फाइनली हमने अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख ली है पहली। और क्या स्क्रिप्ट लिखी, हा एक लड़की जाएगी शोरूम में और वहां पर मालिक को नौकर समझ लेगी और एंड में उसको उसकी औकात दिखा देंगे। इसी टाइप का कंटेंट चलता है भाई फेसबुक पे। और मैंने क्या मस्त डायलॉग्स लिखे हैं, तुम्हें मजा आने वाला है। बस अब मैं कॉल करने वाला हूँ नितिश को, वो मेरी हेल्प करने वाला है मॉडल्स ढूंढने में। ऐसी मस्त मस्त ऑडिशंस लेके मॉडल्स बुला ले जो ऐसी एक्टिंग करे कि भाई पहली वीडियो से ही हमारा ग्राफ वायरल हो जाए, भगवान हमारे को चर्दी कलाच रखे, मजा आ जाए। तो चलो कॉल करते हैं और स्टार्ट करते हैं कास्टिंग, नॉट काउच। भाई कास्टिंग करने का ना मजा ही अलग है। अब मैं समझ गया इतने बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हमेशा हैप्पी हैप्पी क्यों रहते हैं, क्योंकि भाई अलग अलग ऑडिशन देखने में मजा आता है। तुम क्या सोच रहे हो यार, मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ। अब जैसे नितिश ने इतने सारे ऑडिशन भिजवाया मॉडल्स के और ये देखो अब एक लड़की का ऑडिशन आया। आई डोंट माइंड वर्किंग डे नाइट, दीज आर माय प्रोफाइल्स। वाओ
वो डे एंड नाइट मेहनत करने से पीछे नहीं अतराती, बहुत मेहनती लड़की है। हम इसको कास्ट करने वाले, लेफ्ट राइट और सेंटर प्रोफाइल आपने देख लिया है भाई, एक्टिंग भी बढ़िया निकल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में यार, हमारी वीडियो सुपर हिट हो जाएगी। और लड़का जिसको मैं सोच रहा हूँ हीरो बनाऊ उसको ऑडिशन देखो। अक्षय कुमार गोजले, मिरेकल मिरेकल, एंड इन द बैकग्राउंड नाना पाटेकर इज लाइक अंग्रेजी भाई हमारे बहुत ओपी है। अब इतना अच्छा इसने ऑडिशन दिया, मैं सोच रहा हूँ वैसे इसका ऑडिशन पूरा है, मैंने वो पार्ट नहीं दिखाया, बट इतना पार्ट मुझे बड़ा फनी लगा। इस बंदे को हम हीरो को हम नौकर बनाएंगे, इससे हम गाड़ियों पे कपड़ा लगवाएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बट एंड में ये निकलेगा हीरो। अब कल चलते हैं हम शूट पे एंड देखते हैं हम क्या वीडियो बना के लेके आते हैं। मैंने आज तक यार ये वेब सीरीज या ये शॉर्ट मूवीज नहीं बनाई, उस कंटेंट में मेरी सुप्रीमेसी नहीं है, बट लेट्स सी क्या बनता है, लेट्स गो। एंड द नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड शूटिंग आवर फिल्म। तो फाइनली इतने टाइम की मेहनत और टीम एफर्ट्स के बाद हमारी पहली सुपर हिट मूवी रेडी है। मम्मी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, ये पीस ऑफ गोल्ड है, गोल्ड। ढूंढने पे भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसा मस्त 2.5 से 3 मिनट की वीडियो बनाई है ना मेरी और मेरी टीम ने, मुझे लगता है हमारे स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, अब मुझे डायरेक्टर बन जाना चाहिए। तो देखते हैं मम्मी को कैसा रिस्पांस मिलता है, मम्मी कैसा रिस्पांस देती है, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहता हूँ ये देखना कि थर्ड पार्टी रिव्यू क्या है इस वीडियो का। आओ, तो ये लड़की है मूवी बेसिकली जो जॉब इंटरव्यू देने जा रही है, ठीक है, तो देखना। भगवान जी आज तो जॉब लगवा ही देना। आई एम जस्ट सो फेड अप रोज रोज इंटरव्यूज देखे। ओ गॉड, तुम्हें दिखता नहीं है। सॉरी मैम, सॉरी, गलती से हो गया। गलती से हो गया? गलती कैसे हो सकती है, काम करना नहीं आता तो करते क्यों? अच्छा खासा इंटरव्यू देने जा रही थी, पूरा मूड खराब कर दिया। आप गुस्सा मत करो, आप एकदम से पीछे से आए तो मेरे को दिखा नहीं। कैसे नहीं दिखा, एक ही तो काम है तुम्हारे पास पोछे मारने का, वो भी तुमसे हो नहीं रहा। ये तो अभी शुरुआत है, पर उसके ऊपर कपड़ा ही तो गिरा था। बट दैट इज द क्वालिटी ऑफ वीडियोस यू अपलोड ऑन फेसबुक मैन। आओ आगे देखो। बट आप इतनी बदतमीजी की बात कर रहे हो, मैंने आपको सॉरी बोला तो। ओ प्लीज, तुम तो मुझे मत ही बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, नौकर कहीं के। नौकर मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहा हूँ तो मैं नौकर हो गया? छोड़ो यार, तुमसे तो कौन ही बहस करे। ये बताओ तुम्हारे बॉस का केबिन कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर पे। चलो अच्छा है बॉस अभी नहीं आया, मैं तो लेट ही हो गई थी। चलो उनके आने से पहले एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स तो निकाल ही देती हूँ। समझ गई मम्मी, समझ गई क्या होने वाला है। रिवील नहीं करना यार, अभी तो अभी सस्पेंस, यही तो मजा है यार। अभी देखो ना धजिया उड़ती हुई। मुझे तो बहुत ही एंजाइटी हो रही है, अगर ये जॉब नहीं मिली तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स कहाँ से भरूंगी मैं। तुम यहाँ कैसे? जिस केबिन में आप बैठे हो मेरे केबिन है। पर सबसे बढ़िया देख लो, बॉस एंटर हुआ और पीछे सीट के थपकी दे रहा, प्यार की कह रहा है, ओए पीछे देख बॉस आया। अभी देखो मम्मी आगे क्या होता है। पर तुम तो वहां गाड़ियां साफ कर रहे थे ना। बताता हूँ, चलो अब लेते हैं तुम्हारा इंटरव्यू ढंग से। सबसे पहले तो अपना सीवी दिखाओ, देखो जरा ये भी तुम्हारी जुबान से मैच होता है या नहीं। बीकॉम एमकॉम ये डिग्रिया फेक तो नहीं? नहीं सर, टोटली जेन्युइन है, 100%। सही है, चपरासी से सर पर आ गई। सर आप बुरा मत मानिए, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था आप इस कंपनी के ओनर है, वरना मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करती। अच्छा तो शोरूम का मालिक हो तो तमीज है, वरना चपरासियों से बदतमीजी से बात करोगे आप। पिछली जॉब की कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? आप पूछिए मत, बहुत ही कम थी। मतलब तुम्हारी तमीज की तरह। तेरा सैलरी कम थी तुम्हारी तमीज की तरह। नहले पे दला। थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना अप्रिशिएट करो, मतलब मुझे पता आप गालियां ही दे रहे होंगे मन मन में कि क्या बनाया ये बवासीर, बट इसके डायलॉग्स मैंने लिखे यार। नहीं, बहुत बढ़िया मस्त है ना। अभी तो आके देखो, फाइनल सीन इज द बेस्ट सीन,
जब मैं कह जो मैं बोलता हूँ वो होता है, देखना। सर ऐसी बात नहीं है, मेरी सैलरी 7,000 के करीब थी और इंसेंटिव और ओवरटाइम मिला के करीब 12-13,000 हो जाता था। 12,000 मिलते है ना तुम्हें, तो कल से मैं तुम्हारे को एक जॉब ऑफर करता हूँ, तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 रुपए और कल से तुम्हें यहाँ पे पोछा मारना। आज का सबक तो मिल ही गया होगा। ये था जैंगो सीन, कह रहा 7,000 तो ये ले 50,000 पर अब तू पोछा मारेगी। बट मम्मी क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या लड़की ने जॉब एक्सेप्ट करी होगी या नहीं? 50,000 में पोछा मारना कोई बुरी बात नहीं है। चलो मम्मी लोगों को गलत चीजें मत सिखाओ, मजे ले रहे हैं मम्मी, ऐसी कुछ भी बोलती है। बट टू बी ऑनेस्ट मम्मी, ये क्रिएशन हमने करी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा है। आपको लगता है हमारा कुछ होगा इस धंधे में? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब हम करेंगे इसको, ये फुल डेडिकेशन से काम करता है तो अब मैं इसको डालूंगा फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी डाल के देखता हूँ दोनों जगह क्या रिस्पॉन्स रहता है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो हमने अपनी पहली वीडियो अपलोड कर दिया फेसबुक पे भी एंड यूट्यूब पे भी, एंड आई होप हमारे व्यूज है। मतलब ऐसा ही बताऊं तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि पहली वीडियो से आपका मतलब धंधा बहुत अच्छा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बींग लॉजिकल, जो मुझे पता है फेसबुक और यूट्यूब जो गेम है, ये गेम है डेडिकेशन की, कंसिस्टेंसी की। क्वालिटी मैटर नहीं करती भाई, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो बस मैं क्या करने वाला हूँ, अब रोज वीडियो बनाऊंगा, एडिट करवाऊंगा और डालूंगा, एंड आई होप हमारा बहुत जल्द भला हो जाए। तो लेट्स गो। हमने अगले पूरे दिन 17-18 घंटे काम करके 5 और बैंगर वीडियो शूट कर लिए। बट एक बहुत बड़ा डर था। ओके गाइस, लिटरली कल 12 घंटे शूट करके आए हैं हम, और भाई कल की वीडियोस एक से एक भाई, इतनी फनी वीडियोस, मतलब इतना क्रिंज कंटेंट बना के मजा आ रहा है यार, ऐसे एकदम वो जो रील वायरल हुई थी ना कि माँ का मजे ही मजे। और भाई कल के बेसिस पे हमने पूरी कॉस्टिंग निकाल दिया है, कल लिटरली 5 वीडियोस बनाई यार हमने, तो उसके बेसिस पे मैं कॉस्टिंग निकाल रहा था हमें पर वीडियो क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, लोकेशन तो हमारी सारी आउटसोर्स है तो वो फ्री हो रही है, क्योंकि बस उसमें क्रेडिट डाल देंगे लोकेशन बाय एक्स वाई जेड। मॉडल्स हमारी ले रही है 5,000 पर मॉडल, तो टोटल हमारे कल 4 मॉडल आए थे तो 20,000 रुपए मॉडल के लगे। कैमरा जो हमारा पर्सन था उसने हमसे 5,000 रुपए लिए एक दिन के, एंड एडिट हमारे को पड़ रही है 2,000 रुपए पर वीडियो। सो बेसिकली 35,000 का कॉस्ट है पूरे दिन का, और 5 वीडियो से डिवाइड करेंगे तो 7,000 पर वीडियो हमारे को पड़ रहा है, तो इट्स अ गुड नंबर। एंड बस मतलब मेन हमारा फोकस यह है, फिंगर्स क्रॉस हमारी वीडियो चले एक बार। अब चलते हैं, मैं आपको अपनी नेक्स्ट बैंगर वीडियो दिखाता हूं। ओके, तो पापा अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 7 तो है ही, 7 तो आपको पता ही है ना, कोई एक वंडर ऑफ वर्ल्ड का नाम दो। अब ये ताजमहल ही है। ताजमहल तो ऑब्वियसली नंबर 1 है, उसके बाद कोई बताओ ना। टावर ऑफ पिज़्ज़ा। और एक ये है जो ये वीडियो मैंने बनाई है, इसका कॉन्सेप्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में ही आता है भाई। तो बाप ने देखना है और बताना है कि इस पर कितने व्यूज आएंगे, ठीक है, जब मैं रिलीज करूँगा। स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ मेरे बेटे गौरव का शोरूम फ्यूजन कार, मिल नहीं रहा। ओहो ये है फ्यूजन कार, मेरे बेटे गौरव का शोरूम, अभी आता हूँ बेटे से मिलने के लिए। पूरे 5 साल हो गए अपने बेटे से मिले, आज दिल को तसल्ली मिलेगी अपने बेटे से मिलकर। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो आप? जी मेरा बेटा गौरव हो गया यहाँ पर। गौरव सर से मिलना आपको, आपको पता भी है वो कौन है, करोड़ों की गाड़ियों के मालिक हैं, आप कहाँ 5,000 के मालिक नहीं लग रहे आप, चलो जाओ यहाँ से आप। बेटा इतना गुस्सा नहीं करते इतनी छोटी सी उम्र में, मैं आपके पापा के बराबर हूँ, थोड़ा बात करने का लहजा सीखो। मेरे को लहजे के बारे में बताओ, और ऊपर से मेरा समय भी मत खराब करो, चलो आप जाओ यहाँ से। तो उसके कपड़े देख के था, मेरा मालिक तो 1,000 करोड़ के मालिक है, आप तो 5,000 के मालिक नहीं लग रहे। कहीं और ढूंढो। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, आप इतना काम करो मेरे बेटे गौरव को बुला दो। अरे अंकल एक बारी बोल दो, यहाँ कोई गौरव नहीं है, बार बार क्यों आप ऐसा जा रहे हैं? मैं अपने बेटे को खुद ही देख लेता हूँ। अरे ऐसे कैसे, जाओ आप। पापा आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। बेशरम, अंदर ऑफिस में चल। आओ पापा। खोल दरवाजा, पीछे हो। आओ पापा, आज इसको तमीजी सिखाता हूं मैं। बैठो पापा। गौरव पा जिंदगी हो गया। हाँ भाई, कोई भी शोरूम पे आए, चाहे कोई अमीर आए या कोई गरीब आए,
सबकी इज्जत उतनी होती है। आज तुझे पूरी तमीज सिखाऊंगा मैं। मेरे पापा इस शोरूम के मालिक और तूने उनको धक्का दिया। तुझे आज तमीज ही सिखाऊंगा मैं। यहाँ से नौकरी से भी जाएगा आज तू और आने वाली तेरी पूरी नस्ल देखेगी। मेरे पापा को तूने धक्का दिया। ये मेरे को नहीं पता था ये आपके पापा हैं। ये तभी इज्जत करेगा जब पता होगा मेरे पापा है, नहीं तो बेइज्जती करेगा किसी की। सॉरी भी आगे से नहीं करूंगा। आगे से यू आर फायर्ड। चाटा थोड़ा ऐसा लगा यहीं तक था और आवाज है बड़ाऊ। ये हमारी वीडियो का एंड था। अमीर हो या गरीब हो, सबको इक्वली ट्रीट कर देना चाहिए। बिल्कुल, देख के मजा आया। मजा, बहुत मजा आया। पापा तो सच में इंप्रेस हो गए मुझे लगता है। कितने व्यूज आएंगे आपको क्या लगता है इस पे? आ जाएंगे 100-200। नया चैनल है, 100-200 भी आएंगे तो हमारा बहुत बेस्ट। थैंक यू सर। 100-200 लाख आएंगे। ओ माय गॉड, इतने ज्यादा आ जाएंगे तो पापा आप जो बोलोगे मैं वो करेगा। बट लवली वीडियो, थैंक्स। और 3-4 दिनों तक मैंने ये वीडियोस डेली अपलोड की। तो गाइस देखो, यूट्यूब का तो मुझे हमेशा से पता है, नॉलेज है कि भाई शॉर्ट्स डालूंगा तो ग्रोथ फास्ट है, बट अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालूंगा तो वीडियोस बहुत स्लो ग्रो करेंगे एंड चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो होगी। बट फेसबुक पे आई एक्सपेक्टेड कि मेरी ग्रोथ और फास्ट होगी, क्योंकि यार फेसबुक पे लिटरली इतने दिन से वीडियो डाल रहे, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया यार। और मतलब मैंने फिर अपनी टीम से भी बात करी, वो मुझे कहता है कि भाई फेसबुक पे पैसा डाल, फेसबुक की एड्स में, अगर एड्स में डालेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी और मोनेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगी, तो एड भी रिकवर हो जाएगी और तू कमा भी लेगा। बट भाई फिर एड्स के लिए और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एंड लिटरली भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि भाई कैसे इसको कैरी ऑन करें, क्योंकि भाई तुम एक हिसाब लगाओ यार, 5-6 वीडियोस हमने डाल दिए एंड स्टिल वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी। मनी छोड़ो, थोड़ा ग्रोथ तो ग्रोथ भी नहीं दिख रहा, इंक्लिनेशन ही नहीं है भाई। वो जैसे डेड लाइन होती है ना यार, वो वाला ग्राफ चल रहा है हमारा फेसबुक का। आई एक्सपेक्टेड मच मोर यार, बट कोई नहीं, अभी वीडियोस डालेंगे थोड़ी सी और करेंगे, मेहनत करेंगे, लेट्स गो। अगले 5-6 दिन तक मैं डेली वीडियोस बनाता गया और अपलोड करता गया और धीरे धीरे हमारे व्यूज बढ़ते रहे। ऑल्दो एक दो वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन मुझे इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा इशू दिख गया। बैड न्यूज गाइस, लिटरली वी हैव टू स्टॉप दिस बिजनेस राइट नाउ। आज 11th दिन है और पिछले 10 दिन से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ यूट्यूब पे भी एंड फेसबुक पे भी, एंड भाई मतलब रिस्पॉन्स छोड़ो, मैं मेरा अब तक फेसबुक और यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं हुआ यार। पैसा तो मैं उनसे क्या ही कमाऊंगा, और आपको पता है एक वीडियो पे 7,000 रुपये लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, 10 वीडियोस के 70,000 रुपये। एंड भाई इस सीरीज में टर्निंग रुपीज 1 into car की सीरीज में मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, लिक्विडिटी जीरो है, सारा पैसा स्टोर एब्जॉर्ब कर रहा है। 70,000 रुपये का लॉस मैं खा रहा हूँ। आई नो अभी के लिए ये लॉस है, मैं अगर कंसिस्टेंट रहूँ और 50 दिन तक रेगुलर वीडियोस डालूँ तो 51st डे मैं एक ऐसी स्पॉन्सरशिप करूंगा या फिर इतना मोनेटाइजेशन कमा लूंगा, मेरे सारे एक्सपेंसेस रिकवर हो जाएंगे। बट गाइस अभी मैं उतना इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे को 1 रुपये से ही गाड़ी बनानी है। तो अगर मुझे ऐसे कंटिन्यू करता रहूंगा तो भाई मैं तो भाई उधार ले लेके मेरे को धंधा करना पड़ेगा, बट मैं वो नहीं चाहता। मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ जहां मुझे इंस्टेंट पैसा मिले, जैसे मुझे ड्रॉप शिपिंग में मिला था लास्ट पार्ट में। तो गाइस विल स्टॉप इट हियर, बट हाँ अगर आप मेरा ग्रेट इंडियन वाइन्स यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे मेरी गोल्ड डिगर वीडियोस और प्रैंक वीडियोस देखना चाहते हो, वैसे भी इतनी कम वीडियोस में इतना अच्छा रिस्पांस, भाई इससे मुझे ये तो रियलाइज हो गया कि अगर मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट रहूंगा तो मैं लॉन्ग रन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ऑल इट टेक्स इज जस्ट एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग। हाँ अभी के लिए तो मुझे ये चैनल बंद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे को सीरीज में आगे बढ़ना है, गाड़ी लेके आनी है, बट विल बी बैक विद अ बैंक, एक मास्टर प्लान लेके आऊंगा अगले पार्ट में। मिलते अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।